अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अब एक और वीडियो के साथ मैं वापस आ गई हूँ। आज की जिस प्रोडक्ट पे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ वो बहुत ख़ास प्रोडक्ट है, वो है आइनिका का हेयर एंड ब्रेन टॉनिक। अच्छा, ये जो है आपको पहले तो मैं बता दूं कि डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट कंपनीज के नाम से मिल जाएगा, लेकिन चीज़ सेम होगी। आइनिका इज़ लाइक अ हर्ब, एक जड़ी बूटी है जिसका ये ऑयल होता है। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बड़ी आराम से मिल जाएगा। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये ऑयल है किस चीज़ के लिए। ये बेसिकली हेयर और ब्रेन टॉनिक है, एक तरीके से ऑयल नहीं कह सकते, बट ऑयल ही है ये। मतलब समझ जाए, मतलब बस समझ जाए। अच्छा खैर, तो ये वाला जो है ये पॉल ब्रुक्स का है, आर्निका हेयर एंड ब्रेन टॉनिक। इसके फ़ायदे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो अगर आप ये लगाएंगे आपके दिमाग को ऐसा ठंडा कर देगा कि बस। अच्छा, ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है तो मैं बता देती हूँ, डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए है, और स्ट्रेस और एनजाइटी से जो हमारा ब्रेन फंक्शन ख़राब हो जाता है उसके लिए है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस के लिए है, थोड़ा सा फोकस करके दिखाती हूँ, और एक्स्ट्रा मेंटल और फिजिकल एक्जर्शंस के लिए है। अच्छा, अब इनका मतलब क्या है, एक एक पॉइंट को मैं ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। डैंड्रफ एंड हेयर फॉल मतलब आपकी अगर बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, खुश्की है, उसको ठीक करता है। मेरा फोकस पता नहीं क्यों बार बार ख़राब हो रहा है, लेकिन उसको इग्नोर करें, मैं बताती हूँ। एंड साथ में हेयर फॉल प्रिवेंशन, प्रिवेंट भी करता है आपके बालों को गिरने से, मतलब अगर नहीं हेयर फॉल तो होगी नहीं इंशाल्लाह इसके यूज़ से, और अगर हो रही है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है और मेरी लाइक अभी तक 2 मंथ्स हो गया मुझे यूज़ करते हुए। एंड ये नहीं कहूँगी कि जादू हो गया, बट 30% हेयर फॉल रिडक्शन हो चुकी है, मतलब बहुत कम हो गए मेरे बाल गिरना, पहले बहुत गिरते थे। ये वाली जो बॉटल है ये 120 ml की है। तो पहले मैं खैर आपको बता देती हूँ इसके सारी चीज़ें और यूज़ेस, और दूसरा जो लोग जिन लोगों को नींद नहीं आती ना प्रॉपर, उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट है। आप इसको लगा कर रात को थोड़ी सी मालिश कर कर सो जाएं, बहुत अच्छी है। मैं आपको हाथ पर डाल कर दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये ग्रीन कलर का है। अच्छा, इसकी कोई इतनी खास स्मेल नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत गंदी स्मेल है, क्योंकि होम्योपैथिक ऑयल्स की बहुत अजीब सी स्मेल होती है, उससे काफ़ी दिल ख़राब होता है, बट आप ये यूज़ कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप ये अपने सर पे लगाएंगे आप 2 घंटे लगाकर भी सर वॉश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने सर पे ये लगाने वाले हैं तो आप सोते हुए, अगर आपने ओवरनाइट लगाना है तो आपने सोते हुए अपने तकिए के ऊपर कोई पुराना कवर या कोई पुरानी शर्ट, कोई भी चीज़ ले लें, कोई कपड़ा, वो बिछा कर सोना है, क्योंकि ये आपके तकिए पे स्टेन्स आ जाते हैं। ऑयल के स्टेन्स नहीं आते लेकिन आ जाते हैं, इस वाले ऑयल का ये हिसाब है। अच्छा खैर, तो इतनी सारी बातें हो गई। एक और चीज़ मैं आपको इसकी बता दूं, अगर आप लोग स्ट्रेस पर परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी तरह स्ट्रेस लेते हैं, आप लोग ये ऑयल लगा कर देखें, लाइक आपको बहुत सुकून आता है। आप अपने बालों में इसकी थोड़ी सी मालिश करें, ट्रस्ट में आपको बहुत सुकून आएगा, बिल्कुल दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। गर्मियों में तो खैर ये बहुत ही अच्छा है, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं, ट्रस्ट में आपका हेयर फॉल भी कम होगा आपके बाल। हाँ, एक और चीज़ बहुत अच्छी, कि आपके अगर सफ़ेद बाल हैं तो ये उनको कम करता है, जो ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, और नहीं है ना तो ये प्रिवेंट ज़रूर करेगा, क्योंकि आजकल ग्रे हेयर्स का इतना मसला है, लाइक मेजॉरिटी लोग और खासतौर पर टीनेजर्स, उनके इतने ग्रे बाल हो रहे हैं कि आपको बार बार डाई कराने पड़ते हैं। मेरे अपने ग्रे बाल बहुत कम हुए हैं इससे, मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट के, आपको पता है हमेशा ऑनेस्टली मैं हर बात बताती हूँ, इतनी तारीफ़ मैं किसी भी प्रोडक्ट की नहीं करती। ये प्रोडक्ट अगर मैं बोलूँगी तो मैं आपको 10/10 इसको रेकमेंड करूँगी, ठीक है? इसको ज़रूर यूज़ करें, मुझे बताएं यूज़ करके कि आपको हेयर फॉल कम हुआ कि नहीं। अच्छा, सारी बातें हटाकर प्राइस बता देती हूँ कि इसकी प्राइस है 180 रुपीज़ 120 ml के लिए। 120 ml आपका, आई थिंक अगर डेली में लगाएंगे तो ये रोज़ आपका लगाने के बावजूद 1 मंथ चल जाएगा। 180 रुपीज़ में और क्या होता है। मैंने बहुत सी हर्ब्स के, बहुत सी कंपनीज़ के हर्बिक्स के, बहुत बहुत चीज़ों की ऑयल्स यूज़ किए हैं कि किसी तरीके से मेरा हेयर फॉल कम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, बट इससे हुआ है। तो आप एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ये वाला ट्राई कर कर देखें, और अगर कोई फ़र्क पड़े, जो कि पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।